23 राहत बचाव कार्य जारी। कोविड की थर्ड वेव से निपटने की तैयारी में जुटी सरकार, 6 राज्यों में लगेगी 50% से ज्यादा आईसीयू बेड्स। पंजाब में अब एंट्री के लिए फुल वैक्सीनेशन हुआ अनिवार्य। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट एक हफ्ते बाद बहाल, दूसरे कांग्रेस नेताओं की आईडी अनलॉक। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। बुलंदशहर में अखिल भारतीय आंगनवाड़ी की महिला कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही, सरकार अपने वादों पर बिल्कुल खरी नहीं उतरी है। पहले केंद्र सरकार ने वादे किए, उसके बाद प्रदेश सरकार ने 1500 रुपए प्रतिमाह देने की बात कही, लेकिन अब तक किसी को भी पैसे नहीं दिए गए हैं, किसी भी आंगनवाड़ी को मानदेय नहीं मिला है। वहीं आंगनवाड़ियों ने कोरोना काल में भी बाहर निकलकर लगातार काम किया है। अब अगर सरकार मांगों को पूरा नहीं करती तो सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगी, और इसी को लेकर सभी आंगनवाड़ी महिला कर्मचारियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को सामने रखा और सरकार के लिए ज्ञापन सौंपा। हम ये चाहते हैं कि सरकार ने जो वादा किया है उस वादे को सरकार पूरा करे, वरना इस बार आंगनवाड़ी किसी की बात सुनने वाली नहीं है। या तो सरकार हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, वरना इस बार आंगनवाड़ी किसी को वोट नहीं देगी। और आंगनवाड़ी स्वयं जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, हर सीट पर आंगनवाड़ी स्वयं चुनाव लड़ेगी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर ताज नगरी के आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, राजा मंडी और ईदगाह रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों द्वारा अप्रिय घटना को अंजाम देने को लेकर पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसी कड़ी में पिछले कई दिनों से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी तरह की चूक ना हो सके, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। वहीं बस्ती में ईंट भट्टा मालिक और पेट्रोल पंप मालिक के मोबाइल पर फर्जी बैंक के ट्रांजैक्शन के जरिए ठगी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ठगी करने वाले 3 जालसाजों को पकड़ा है। पकड़े गए ठगों के कब्जे से 1 बाइक, 2 मोबाइल और 4 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए जालसाजों से लगातार पूछताछ की जा रही है, उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही के लिए लगातार पुलिस प्रयासरत है। पहले जा कर के उससे कहते थे कि मेरे पास ट्रकों का ठेका है या मेरे पास किसी जगह पे इमारत बनाने का ठेका है, और मुझे आप 100 ट्राली या 150 ट्राली ईंटा दे दीजिए और मैं आपको पहले ही पेमेंट कर दूंगा। उसका बैंक अकाउंट ले करके जो बैंक ट्रांजेक्शन का एक मैसेज होता है उसको एडिट करके उसके फ़ोन पर डाल देते थे, और अक्सर ये कोशिश करते थे कि शनिवार की शाम को ये काम किया जाए ताकि जब बैंक बंद हो जाए। और ऐसे व्यापारियों को चिन्हित करते थे जो ज़्यादातर बैंक कम ही जाते थे, उनके कर्मचारी जाते थे, फिर उनको झांसे में लेकर के ये कहते थे कि आपके पास मैंने ज़्यादा पैसा भेज दिया है, मैं अपना एक आदमी भेज रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है तो मुझे उसमें से 50,000 या 1 लाख या 2 लाख रुपये वापस कर दें। ताज नगरी आगरा में आम जनमानस को न्याय दिलाने के लिए 112 नंबर की शुरुआत की गई, और पुलिस के आला अधिकारी द्वारा 112 को हर समय अपडेटेड किया जाता रहेगा। इसी कड़ी में आम जनमानस को जागरूक करने के लिए एसएसपी के निर्देश पर शहर भर में पोस्टर लगवाए जा रहे हैं, जिनके जरिए जनता से किसी भी तरह की समस्या ना हो इसके लिए तत्काल फोन के जरिए इसकी जानकारी दी गई, और इस बारे में अपडेट होने के बाद तत्काल मिनट में उस व्यक्ति के पास पुलिस की मदद पहुंच जाएगी। ऐसी जानकारी पुलिस के द्वारा मुहैया कराई गई है। सुल्तानपुर में अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया गया। यहां पर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की ओर से यह संकल्प लिया गया कि जब पुनः अखंड भारत का निर्माण नहीं होगा तब तक ये सभी चैन से नहीं बैठेंगे। इस दौरान नगर के विभिन्न चौराहों पर जुलूस निकालकर लोगों को अखंड भारत के प्रति जागरूक किया गया।
साथ ही भारत माता की फोटो पर पुष्प अर्पित किए गए। बता दें कि बजरंग दल के नेतृत्व में तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा हर साल 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया जाता है। आज ये एक तरह से हम लोग ने पर्व मनाया है, अपना एक दुख व्यक्त किया है, हिंदू समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की है। और कई वर्षों से भी हिंदू परिषद इस टाइप का कार्यक्रम कर रहा है बजरंग दल के नेतृत्व में। ये कार्यक्रम एक्चुअली में बजरंग दल का है। कैसा कार्यक्रम रहा आज का? ये कार्यक्रम आपने देखा ही कैसा रहा, हमारे शहर के नौजवान आए इस कार्यक्रम को देखने के लिए आए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देश में, ये कार्यक्रम यहाँ नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है बजरंग दल, इससे एक समाज को मैसेज देना चाहते हैं। जो इस्लाम के नाम पे देश को बांटा गया, हिंदू को टुकड़ों टुकड़ों में किया गया, अब ये सहन। खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। मैं जितेंद्र कुमार द्वारे समाजवादी पार्टी सदर 204 विधानसभा औरैया से समस्त क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमारा देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस पावन पुनीत समय में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लें, जिससे हमारे वीर सपूतों को सपूतों के सपनों का भारत बन सके। इस संदेश के साथ मैं अक्षय विश्नोई अपने समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर हम समस्त भारतवंशी अमर शहीदों को याद करते हुए देश का गौरव बढ़ाने को संकल्प लें। इस संदेश के साथ मैं पंकज बिश्नोई समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं मुन्नू लाल चौधरी कोसम खिराज सभी ग्रामवासियों को 15 अगस्त रक्षाबंधन की बधाई देता हूँ। प्रधान जाठी श्रवण मिश्रा 15 अगस्त और रक्षाबंधन मतलब ढेरों बधाइयाँ ग्रामवासियों को, और रक्षाबंधन की जो बहनों को ढेरों बधाइयाँ। गांव के ही गांव के दुधिया जो है, गांव की जो रोडें हैं काफ़ी ख़राब हैं, इनको सुधार जी जी, और गाँव का सुंदरीकरण जो है, आगे गांव की जनता के विषय रोजगार इनको मिल पाए, सभी लोग रोजगार मिल पाए, जो वृद्धा पेंशन है 60 साल है, कृषि के संबंधित जो है सबको रोजगार मिल पाए, यही सारी व्यवस्थाएं हैं आगे चल। सभी क्षेत्रवासियों को नमस्कार, मैं डॉक्टर संकल्प गुप्ता प्रभा नर्सिंग होम 12 ब्लॉक कौशाम्बी से सभी क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा 15 अगस्त व रक्षाबंधन की। क्षेत्रवासियों से अपील है कि वो घर से मास्क लगाकर निकलें। कोरोना के इस समय में, इस चरण में बड़ी ही तत्परता से हम सभी की, साथ ही साथ आप सभी का भी बहुत बड़ा योगदान है, तो इसलिए एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि पुनः आप लोग मास्क लगाएं। हमारे हॉस्पिटल में आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि डिलीवरी हो गई, सर्जरी हो गई, कम ही कम पैसे में, बिल्कुल जी है। क्षेत्रवासियों से अपील है कि आप बिल्कुल कम से कम पैसे में यहाँ इलाज करवाने की सुविधा उपलब्ध है। मैं राम अभिलाष सरोज ग्राम प्रधान बैजवा फतेहपुर से अपने समस्त ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना व बधाई देता हूँ। मैं प्रधानपति राम विलास समस्त ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देता हूँ। मेरा ग्राम सभा अन्य ग्राम सभाओं से विकास में सबसे पीछे है। यहाँ नाली खड़ंजा के में जो है मेरा गांव सबसे पीछे है। इसमें मेरे ग्राम सभा में नाली खड़ंजा जो सबसे बेकार है जो है, इसमें विकास पिछले मतलब कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। अब जो मैं अपने गांव का विकास चाहता हूँ, मेरे गांव का अच्छे से विकास हो, अच्छे से जो है हम। ग्राम प्रधान मढ़ी सुनील कुमार मौर्य जनता द्वारा चुने गए प्रधान जी, 15 अगस्त रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान मिलकर गांव का विकास अच्छे ढंग से करें और जनता का सेवा करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैनपुरी के गांव टिंडौली में जांच को गई पुलिस से दबंगों ने हाथापाई कर दी। हाथापाई और पुलिस को धमकाने बदसलूकी का वीडियो भी वायरल होने के बाद पुलिस ने दबंग आरोपियों एक पीएसी के जवान सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कुछ दिनों पहले एक गांव में एक मामले में पुलिस जांच के लिए पहुंची थी, जिसके बाद ये पूरा विवाद देखने को मिला। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने तत्काल गांव के गिरीश यादव और पीएसी के जवान सहित 6 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। कल शाम को एक प्रकरण में जांच और पूछताछ के लिए दंडाहर की पुलिस गई थी। वो भी जहां पे गई थी वो भी संभवतः पुलिस का कर्मी बताया जा रहा है। उसके द्वारा कुछ वाद विवाद किया गया, पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई की थी। इस संबंध में अभियोग दर्ज कर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा है। अपने अनिवार्य सेवानिवृत्ति का जिक्र करते हुए अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या 5 साल के दौरान आपको एक भी सरल भ्रष्ट आईएएस अफसर नहीं मिला। वहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने कहा कि वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बयान जारी कर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम अलोकतांत्रिक, विभेदकारी, दमनकारी और उत्पीड़नात्मक कार्य और आचरण किए गए और नीतियां बनाई गईं, इन सबों के विरोध में मैंने यह निर्णय लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहां से। वहीं संभल में बच्चों में पतंग उड़ाने के दौरान कहा सुनी हो गई। एक पक्ष के दबंगों ने महिला पर हमला बोलकर उन्हें घायल कर दिया। घायल महिला का आरोप है कि उसके पड़ोस में रहने वाले दबंगों ने रेहाना के द्वारा बच्चों को डांटने पर बुरी तरह से पीट कर घायल कर दिया। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। हरदोई के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र में खाना खाने के विवाद में चचेरे भाई भतीजों में गोली चल गई। आपको बता दें कि राजेश ठाकुर के भंडारे में एक भाई खाना खाने गया था, इसी बात से नाराज चचेरे भाइयों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से गोलियां और लाठी डंडे चलने लगे। वहीं इस विवाद में 4 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने कारतूस और राइफल को बरामद कर लिया है। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। ये थाना बेटा गोकुल के मोहिद्दीनपुर गांव में झगड़े की सूचना मिली थी। यहां पुलिस तत्काल पहुंची है और यहां पर देखा गया है कि 2 चचेरे भाई भतीजों में झगड़ा हुआ है। इसमें सर्वेश को चोटें आई हैं, कुछ 1-2 लोगों को और लाठी डंडे की चोट बता रहे हैं। मजरूबों को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है चिकित्सा के लिए और जो तथाकथित आरोपीगण हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं। हमें कुछ कारतूस और कंट्रीमेड फतेहपुर के खाता धारक के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि बिना जानकारी के ग्राहक के खाते से 1000 रुपए काटे गए। वहीं बैंक द्वारा ग्राहक को रुपए काटने का संदेश प्राप्त होते ही ग्राहक के होशो हवास गुम हो गए। पीड़ित ग्राहक के बैंक पहुंचने पर मैनेजर द्वारा खाता हैक होने की दावा किया गया। बता दें कि 2020 में ग्राहक के खाते से ये पैसे कटे थे, तब भी इस पूरे मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई थी। मेरा नाम बिमलेश कुमार है, मैं तंदुआ निवासी हूं, थाना सुल्तानपुर घोष। मेरा जो है 2020 में 12 अगस्त को 3600 रुपये कटे थे स्टेट बैंक SBI से खागा से। तो मैंने वहाँ पे जाके उनको अवगत कराया था, तो उन्होंने कहा किसी कारणवश आपके फ़ोन द्वारा कोई समस्या हुई है। लेकिन सेम ट्रांजेक्शन 2021 में 11 अगस्त को फिर से काटा गया मेरा। मैं आज जो है SBI खागा जब पहुँचा तो मैंने वहाँ पे मैनेजर साहब को, असिस्टेंट मैनेजर जो थे, मैंने उनको अवगत कराया अपने संबंध इस मामले से। तो उन्होंने बताया कि आपका खाता हैंग कर लिया गया है। ये मेरी एप्लीकेशन है जिसको मैं लेके उनके पास गया। और खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
मेरी तरफ से मेरे गांव के समस्त ग्रामवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को तथा जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को, समस्त जनपद वासियों को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राथमिक विद्यालय रुवारी, समस्त स्टाफ की ओर से ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों तथा जनपद वासियों और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से ग्रामवासियों को और क्षेत्रवासियों का 15 अगस्त का शुभकामनाएं करता हूँ। मैं प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, ग्राम प्रधान सायर, समस्त ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को व सभी जनपद वासियों को व प्रदेश वासियों की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी तरफ से समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासियों को और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद हमीरपुर के समस्त क्षेत्रवासियों, ग्राम प्रधानों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी से यह अनुरोध है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं। जब तक महामारी का विनाश नहीं हो जाता है तब तक किसी भी प्रकार से आपस में दूरी बना करके ही रहें और अपने देश अपने यहाँ पर स्वच्छ शौचालयों का प्रयोग करें, स्वच्छता के साथ रहें। धन्यवाद। मेरी ओर से समस्त जनपद वासियों एवं तहसील वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अशोक यादव, ग्राम प्रधान, बिरखेरा ग्राम पंचायत, विकास खंड सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर की तरफ से समस्त ग्राम वासियों एवं क्षेत्र वासियों सहित जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बालेंद्र वर्मा, ग्राम प्रधान, करगाम ग्राम पंचायत, विकास खंड मुस्कुरा, जनपद हमीरपुर व सचिव रामदत्त यादव की तरफ से समस्त ग्राम वासियों एवं क्षेत्र वासियों सहित जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भरत कुमार श्रीवास, समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार, 229 राज विधानसभा वर्तमान ग्राम प्रधान, दीवार ग्राम पंचायत, विकास खंड मुस्कुरा, जनपद हमीरपुर की तरफ से प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बस्ती पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां ईंट भट्टा मालिक और पेट्रोल पंप मालिक के मोबाइल पर फर्जी बैंक के ट्रांजैक्शन का मैसेज भेजकर ठगी करने वाले 3 जालसाजों को कलवारी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए जालसाजों के पास से 1 बाइक, 2 मोबाइल, 4 ATM और 2 फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और कई चीजों को बरामद किया गया है। ठगी का शिकार हो चुके ग्राम खेमोपुर में ईंट भट्टा मालिक को अपनी ठगी का शिकार बनाया गया। ठेकेदार बनकर जेल में काम करवाने के नाम पर 35 ट्रॉली ईंट भेजने की बात कही गई और भट्टा मालिक के मोबाइल पर 6 लाख ट्रांसफर के 3 फर्जी मैसेज डालने के बाद फोन किया गया और अपना कमीशन 2 लाख नकद भट्टा मालिक से वापस ले लिया गया। वहीं दूसरा मामला लालगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मी फिलिंग सेंटर का बताया जा रहा है, जहाँ पर इस गैंग ने अपने आप को बड़ा ट्रांसपोर्टर बनाकर तेल लेने की बात कही। इसके बाद पंप मालिक के मोबाइल पर फर्जी मैसेज भेजकर खाते में क्रेडिट करने की बात कही और पेट्रोल पंप मालिक से अपने कमीशन का 90,000 रुपया ले लिया और मौके से फरार हो गए। जब ईंट भट्टा मालिक और पेट्रोल पंप मालिक ने खातों का बैलेंस चेक किया तो उनमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था, जिसके बाद इन लोगों को थाने पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की और 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया। हमारे जनपद के साइबर सेल की टीम ने थाना कलवारी और थाना लालगंज की पुलिस के साथ में मिल करके एक ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इसके 3 मेंबर गिरफ्तार हुए हैं। ये लोग गोंडा के रहने वाले हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये किसी ईंट भट्टा मालिक को या पेट्रोल पंप मालिक को पहले जा कर के उससे कहते थे कि मेरे पास ट्रकों का ठेका है या मेरे पास किसी जगह पे इमारत बनाने का ठेका है और मुझे आप 100 ट्राली या 150 ट्राली ईंटा दे दीजिए और मैं आपको पहले ही पेमेंट कर दूंगा। उसका बैंक अकाउंट ले करके जो बैंक ट्रांजेक्शन का एक मैसेज होता है उसको एडिट करके उसके फ़ोन पर डाल देते थे और अक्सर ये कोशिश करते थे कि शनिवार की शाम को ये काम किया जाए ताकि जब बैंक बंद हो जाए
क्योंकि इसके बारे में जब हमें जानकारी हुई, पेट्रोल पंप मालिक और जो ईट भट्टा मालिक हैं जो कलवारी थाना क्षेत्र और लालगंज थाना क्षेत्र रहने वाले हैं, उनकी सूचना के आधार पर फौरन मुकदमा पंजीकृत किया गया और हमारे साइबर सेल की टीम ने जौनपुर के शाहगंज में एक ताजिया निर्माता ने दरोगा पर घर में घुसकर ताजिया फाड़ने का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद से मुस्लिम समुदाय काफी भड़क गया और दरोगा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया गया। मामले की जानकारी होते ही एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया गया। मामला शाहगंज के भादी खास का बताया जा रहा है, जहां ताजिया निर्माता सुब्बन खान ने आरोप लगाया कि कोतवाली पुलिस के एक दरोगा 4-5 सिपाहियों के साथ घर में घुस गए और उन्होंने ताजियों को फाड़ दिया। महेश सिंह क्या है? महेश सिंह एसआई हैं, एसआई हैं। उन्होंने ताजिया फाड़ दिया है और वो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं फाड़ा है, हालांकि ताजिया जो बनाएगा वो नहीं फाड़ेगा। ये वो अपनी बात को छिपा रहे हैं इस वक्त और ये मीडिया पर आ चुकी है बात। लिहाजा हम अभी एसडीएम महोदय से हमारी बात हो गई, हमने लिखित दे दिया है, उनसे रिसीविंग ले लिया है, उनका दस्तखत ले लिया है, उनके सिग्नेचर ले लिए हैं और सारी बातें हो गई हैं। शांत अधिकारी ये कह रहे हैं कि उचित से उचित कार्रवाई जो होगी निलंबित करेंगे। हमारी मांग ये कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसने हमारी जो धार्मिक आस्थाएं उसको ठेस पहुंचाया है, मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाया है। इस वक्त माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, कोई भी बादरेशन नहीं होना चाहिए, चूंकि इलेक्शन आ रहा है, लोग चाह रहे हैं कि दंगा और फसाद हो, लेकिन हम लोग चूंकि इस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं कि हम लोग झगड़ा और लड़ाई पसंद नहीं करते। शासन में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा जो है वो थाने के लगभग 100-150 की संख्या में लोग जा रहे हैं। जैसे हम लोग संज्ञान में हैं, हम क्षेत्राधिकारी शाहगंज दोनों थाने के आए और हम लोगों के ये पता चला, लोगों ने बताया कि एक महेश एसआई हैं, उन वो जो ताजिया बनाने वाले थे उनके घर गए और उनके द्वारा ताजिया फाड़ दिया गया और हम लोगों ने उनसे बात किया तो उनका कहना नहीं था, हमने ताजिया नहीं फाड़ा, हमने जो ताजिया बनाने वाले थे, चूँकि शासन का निर्देश था ताजिया ना बेचा जाएगा ना बनाया जाएगा, तो हम लोगों ने दुकान बंद करवा दी थी, उनका घर बंद करा दिया। और खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। उदयभान यादव ग्राम प्रधान नदेहरा विकास खंड सुमेरपुर जनपद हमीरपुर की तरफ से समस्त ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों सहित जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत पिपरौंदा ग्राम प्रधान बक्सदीन एवं सचिव प्रीति सिंह विकास खंड मौदहा जनपद हमीरपुर की तरफ से समस्त ग्रामवासियों एवं जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राम सेवक वर्मा सचिव सुमेरपुर विकास खंड क्षेत्र की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों व जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बस्ती पुलिस की सर्विलांस टीम ने 8.5 लाख रुपए की कीमत के 62 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए हैं। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने गुमशुदा मोबाइल मालिकों को अपने कार्यालय पर बुलाकर मोबाइल उनके हाथों में सौंपे। बता दें कि जिले में मोबाइल गुमशुदगी के मामले लगातार बढ़ रहे थे। जिले के सभी थानों पर मोबाइल चोरी और गुमशुदगी की रिपोर्ट बड़ी संख्या में लोग दर्ज करा रहे थे। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने सर्विलांस सेल को मामले की जांच के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद सर्विलांस सेल ने गुमशुदा मोबाइल फोन की एप्लीकेशन पर काम करना शुरू कर दिया। सर्विलांस सेल की टीम ने गुमशुदा मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया, मोबाइल फोन की ईएमआई नंबर्स को ट्रेस कर गुमशुदा मोबाइल को बरामद किया गया। सर्विलांस की टीम ने जो जनपद में कई थाना क्षेत्रों से लोग हमें एप्लीकेशन देते रहते हैं कि उनके फ़ोन बाजार जाते हुए ऑफिस जाते हुए कहीं पर उनकी जेब से गिर गए या उनके घर से चले गए, ऐसे एप्लीकेशनों पर कार्रवाई करते हुए सर्विलांस की टीम ने उनकी मोबाइल लोकेशन ले करके जब भी वो मोर फोन ऑन हुए तो उनको बरामद करके उनके मालिकों तक वापस भिजवाया है। ऐसे 62 मोबाइल फ़ोन आज अपने उनके मालिकों को वापस किए गए हैं। इनकी बाजार में कीमत 8.5 लाख रुपए है। कोई भी मोबाइल फोन 15 से 20 हज़ार। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।